वहां पर ये जो बालक बैठा है तुम खड़े हो जाओ बेटे, और पीछे में, हाँ ये लाल टी शर्ट वाला बालक आ जा, टोपी लगाए जो शर्ट पहने, हाफ शर्ट पहने, जो बहुत होशियार बनो, ये मोटा हाँ बुलाओ सारे, माइक लीजिए आप, माइक लीजिए। हाँ कहाँ से हो भाई साहब? एक मजना से है? पास में है गांव मजना, रहते यहीं पर। क्या तुम उपद्रव कर रहे थे बैठे बैठे? कुछ नहीं महाराज, सीताराम सीताराम को भजन कर रहे थे। सीताराम तो बहुत जने कर रहे। पूछिए क्या बात महाराज। हमारे 3 साल में 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सबसे बड़ा था, मतलब अभी अक्टूबर में हमारा चाचा का लड़का था 22 साल का लड़का, पेनक्रियाज उसका खराब हो गया था, उसकी डेथ हो गई सर। सबसे बहुत ज्यादा मतलब परिवार उसमें। वो आपका भाई लगा ना? हाँ भाई। और इसके बाद अभी हमारे पापा भी 1-1.25 महीने पहले खत्म हुए, और चाचा ब्लड कैंसर से एक्सपायर हो गए, दादाजी हो गए। मतलब ऐसा क्या है, मतलब कोई करवाता है या स्वाभाविक है? हमने ऐसा लिखा, बहुत मन अशांत है, पूरा घर परेशान है, अकाल मौतों के कारण 2015 से दिक्कत पूरे परिवार में बनी हुई है, उथल पुथल भी मची हुई है, 2 साल में भयंकर अकाल मृत्यु बनी है, टोटल 4 मृत्यु योग बनी, चचेरे भाई की जिक्र जो कर रहे हैं, रहस्य जानने के लिए आए हैं, आपके घर पर मारण गंदी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग मुसलमानी क्रिया का किया जाता जो आगे नहीं होगा, पेट की दिक्कत हार्ट की दिक्कत बनाता है, इन्फेक्शन फैला करके 2 माह के अंतर्गत प्राण ले लेता है। सही बात बड़ा, सही बात है। पापा ये हरकत है, इन्फेक्शन बनाता, 2 माह के अंदर ले लेता। महाराज कौन करा रहा है ये सब? ये भगवान जाने, हम ठीक कर सकते हैं बालाजी से प्रार्थना करके, हम में भी सामर्थ्यता नहीं है ठीक करने की। हमारे बालाजी में और सन्यासी बाबा में है तंत्र से संबंधित, आज के बाद आगे कोई भी घटना नहीं घटेगी, ये आशीर्वाद है। और जो तुम्हारा भय है वो भी छोड़ो, तुमको भी हार्ट की दिक्कत नहीं बनेगी, आशीर्वाद है। घर पर अखंड रामायण का पाठ करवाना है, गोमूत्र गंगाजल का छिड़काव, ध्यान से सुनना क्योंकि सिग्नल जाने के बाद हम नहीं बोल पाते हैं, ध्यान नहीं रहता है। गोमूत्र गंगाजल का छिड़काव 40 दिन तक घर पर करना है। घर पर आपको बागेश्वर बालाजी के यहाँ की रज रख करके दरवाजे पर टांगना है, मिट्टी को रख करके टांगना है। हम सेना भेज देंगे, टोटका जो नकारात्मक नेगेटिविटी एनर्जी है उसको शांत करवा देंगे। बालाजी में इतनी लीला है और सन्यासी बाबा में इतनी लीला है, हम अपने बालाजी से प्रार्थना करेंगे, आप पेशी करिए, आप भी प्रार्थना करिए। हमें जो ऋषि परंपरा से मंत्र मिला है उस मंत्र का प्रयोग करेंगे, आज से नहीं होगा, नहीं होगा। तीसरा, जो स्त्री के बारे में शक है वो सत्य है। सियावल रामचंद्र की जय। अब कौन कहां कैसे राम जी जाने, क्योंकि हमको भाई लपड़ों में नहीं फंसना है, वैसे ही हम ब्रेकिंग न्यूज में बने रहे। महाराज वो मेरा भाई खत्म हो गया, उनका एक ही लड़का था, उनको वो दोबारा आ जाए, मेरा सर 8 उनको परिवार को अर्जी लगवाई जी, और मेरा एक बड़ा बालक 8 साल का, उसके बाद दोबारा भी नहीं हुआ महाराज, दूसरा चाहते हैं जी, दूसरा बालक से चाहते। मैं पता था पूछेंगे, जब से हम यही लिख रहे थे, आप चिंता ना करें, संतान का भी आशीर्वाद। और चाचा को उनकी नित्य ज्योति का, उनकी अर्जी लगवाई, उनकी नहीं आई है ना हम कह सकते हैं जी। महाराज कलह रहता है घर में, मतलब एक सुख शांति रहे, परिवार ठीक रहे, जो उपाय बताया उस विधान को आप कीजिए जी। तुम्हारे भी सिर पे बोझ बनता है जी, हमारा बहुत टेंशन है, पूरी बहुत ज्यादा सिर पे बोझ बनता है, बहुत ज्यादा क्लेश के कारण, और ये तंत्र के कारण ही है जो भयावह डरावना लगने लगा है घर पे जी। घर छोड़ने का कई बार भाव आता है जी। लेकिन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि कहीं भी रहेंगे ये तंत्र वहीं पीछा करेगा जी। बालाजी कृपा करेंगे, हमने इसमें एक मंत्र लिख दिया है जी। और जो उपाय बताया वो आप शुरू करना, धाम की पेशी करना, मंत्र वो उपाय यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो गया है, आप आज का दरबार रिपीट करके देख लेना ठीक। उठो, वैसे इसमें हमने लिख दिया, मंत्र बहुत तीक्ष्ण है, ये मंत्र प्रचार को आप गोपनीय ही रखें तो उचित है, बाकी आपकी मर्जी है।
साधु जी, ओ साधु जी, साधु जी, साधु जी।